हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की जो मेरी लुक है वो ईद स्पेशल लुक है। सो वीडियो में जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन हिट कर लीजिए, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो और हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। सो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यूज़ किया है ये गुड वाइब्स का टोनर, और इसको मैं अपने फेस पे स्प्रे कर लूँगी और थोड़ा सा मसाज कर रही हूँ फिंगर टिप्स के साथ। सो नेक्स्ट जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो है लोटस की सनस्क्रीन। और मेरे एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मुझे सजेशन दिया था कि आप बायोटिक की सनस्क्रीन यूज़ कीजिए। सो डियर, मैं बायोटिक की सनस्क्रीन यूज़ करती हूँ। मैंने यूज़ की है पहले, बट ये मुझे कुछ सूट नहीं करी मेरी स्किन के लिए। सो इसको मैं बहुत ज़्यादा कम यूज़ करती हूँ, सो इसलिए मैंने अपने सनस्क्रीन वाली वीडियो में इसको शेयर नहीं किया है। सनस्क्रीन के बाद मैं अप्लाई करूंगी मॉइस्चराइज़र, और मॉइस्चराइज़र के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ गुड वाइब्स का पपाया जेल मॉइस्चराइज़र, और इसको मैं अपने फेस पे अप्लाई करने के बाद यूज़ करूंगी प्राइमर। सो प्राइमर के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ पैक 04 सेपरेशन क्रीम। काफ़ी अच्छा प्राइमर है। सो इसको मैं अप्लाई करूँगी जहाँ मुझे पोर्स की प्रॉब्लम है, या तो आप पूरे फेस पे भी अप्लाई कर सकते हो। अंडर आई एरिया में भी आप प्राइमर अप्लाई करेंगे तो आपका जो आई मेकअप है वो अच्छा होगा, या तो आपका कंसीलर सेट नहीं होगा फाइन लाइंस में। फाउंडेशन के लिए मैं यहाँ पे दो फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ, दोनों को मिक्स करके मैं इसको डॉट डॉट करके अपने फेस पे अप्लाई करूँगी, और इसके बाद मैं इसको ब्लेंड करूँगी ब्यूटी ब्लेंडर से। ये पूना स्टोर का ब्यूटी ब्लेंडर है। सो अच्छे से इसको ब्लेंड करने के बाद मैं यूज़ करूँगी कंसीलर, तो थोड़ा सा अंडर आई एरिया में, और अपनी आईलिड को प्राइम करूँगी। तो इसको मैं एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अब ब्लेंड कर लूँगी। कंसीलर को सेट करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ स्टेक वर्की का ट्रांसलूसेंट पाउडर, और मैं अपने ड्राई एरिया को इससे बेक कर रही हूँ, और इसी पाउडर से मैं थोड़ा सा अपने फेस को भी सेट कर लूँगी। तो बेकिंग करने के बाद आप 2 से 3 मिनट तक वेट करें, और उसके बाद अपने जो भी आपने पाउडर अप्लाई किया है उसको डस्ट ऑफ कर दें। सो इसका इससे आपका मेकअप जो है वो फ्लॉलेस लगेगा। तो इसके बाद मैं थोड़ा अपने फेस पे मेकअप फिक्सर जो है वो स्प्रे कर लूँगी। इससे क्या होता है, आपका बेस मेकअप जो है वो अच्छे से सेट हो जाता है, और समर्स के लिए ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है। सो आईब्रोज़ के लिए मैं यहाँ पे 2 आईब्रो पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ। एक है लैक्मे की जो कि ब्लैक कलर में है, उसको मैं एंड वाली साइड में अप्लाई करूँगी। तो सबसे पहले अपनी ब्रोज को लाइन करूँगी, उसके बाद फिल इन करूँगी, और उसके बाद एक स्पूली या फिर यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ मस्कारा वॉन्ड का, इसके हेल्प से मैं इसको कोम कर लूँगी। और फ्रंट सेक्शन को मैं जो ब्राउन मिस क्लियर की आईब्रो पेंसिल है उससे फिल इन करूँगी। सो नेक्स्ट मैं कंसीलर की हेल्प से थोड़ा सा अपने ब्रोज को क्लीन कर रही हूँ, ताकि मेरी ब्रोज जो है वो थोड़ा और शार्प एंड क्लीन लगें। थोड़ा सा इसको पाउडर से सेट कर रही हूँ अब जो भी मैंने कंसीलर अप्लाई किया है। नेक्स्ट मैं अपनी ब्रोज के ऊपर थोड़ा सा ये ट्रांसलूसेंट पाउडर जो है वो अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि मैंने क्रीम प्रोडक्ट यूज़ किया है। सो ये जो है ये थोड़ा क्रीम प्रोडक्ट को लॉन्ग लास्टिंग बना देगा। सो आई शेडो अप्लाई करूँगी, तो आई शेडो के लिए ये लाइट कलर की शेड लेके एज अ ट्रांजिशन कलर इसको मैं अपनी क्रीज एरिया में अप्लाई करूँगी। सो इसके बाद मैं ये ऑरेंज कलर की शेड लेके इसको अगेन मैं अपने क्रीज एरिया में अप्लाई करूँगी, और मैं इसको तब तक अप्लाई करती रहूँगी जब तक कि मुझे मेरा डिज़ायर्ड कलर ना मिल जाए। ट्रांजिशन कलर के बाद मैं अपने आईलिड पे अप्लाई करूँगी ग्रीन कलर का आई शेडो, और वो क्लिप में से थोड़ी सी मिस हो गई। सो मैंने ये वाला ग्रीन कलर लिया है, और इसको मैंने अपनी पूरी आईलिड पे अप्लाई कर दिया है, और उसके बाद मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी एक क्लीन ब्रश की हेल्प से, ताकि कुछ भी हार्श लाइन ना दिखे, सब कुछ ब्लेंडेड सा लगे। उसके बाद मैं ये वाला एक शिमर शेड लेके इसको बिल्कुल सेंटर में अप्लाई करूँगी, और मैं अपनी फिंगर टिप की हेल्प से अप्लाई कर रही हूँ। सो नेक्स्ट मैं एक ब्रश लेके इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। नेक्स्ट मैं सेम ग्रीन कलर को अपनी लोअर लैश लाइन में भी अप्लाई कर लूँगी, ताकि मेरा आई शेडो जो है वो कंप्लीट लगे। सो ग्रीन कलर अप्लाई करने के बाद मैं ब्लैक कलर का आई शेडो लूँगी, और उसको अगेन अपनी लोअर लैश लाइन में अप्लाई कर लूँगी। सो मैं कोई भी काजल या आईलाइनर नहीं अप्लाई कर रही हूँ। मैं यहाँ पर काजल के लिए यूज़ करती हूँ एक न्यूड पेंसिल, और इसको मैं अपनी वाटर लाइन में अप्लाई कर लूँगी। इसको यूज़ करने से आपकी आईज़ जो हैं वो थोड़ी बड़ी लगेंगी,
सो नेक्स्ट मैं थोड़ा सा ग्रीन कलर की इंटेंसिटी को इंक्रीज करने के लिए ग्रीन कलर का आई शेडो अप्लाई कर रही हूँ अपने इनर कॉर्नर एंड आउटर कॉर्नर में और उसको अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। नेक्स्ट मैं अपने आईलैशेस को कर्ल कर रही हूँ और आईलैशेस को कर्ल करने के बाद मैं अपने आईलैशेस पे मस्कारा अप्लाई करूँगी। सो इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ लिक्विड आई शेडो का और इसको मैं अप्लाई कर रही हूँ जो मैंने शिमर आई शेडो अप्लाई किया हुआ है उसके ऊपर और ये गोल्डन कलर का शिमर आई शेडो है और इसको एक ब्रश की हेल्प से मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। इसके बाद मैंने ऑफ कैमरा फॉल्स आई लैशेज जो हैं वो अप्लाई कर ली हैं। अब मैं अपने फेस की कॉन्टोरिंग करूँगी और मैं यहाँ पर निक्स की वंडर स्टिक का यूज़ कर रही हूँ और मैं अपने फेस के यूजुअल एरिया जहाँ पे कॉन्टोरिंग करते हैं वहाँ पे कॉन्टोरिंग कर लूँगी और इसको एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। सो क्रीम प्रोडक्ट के बाद मैं इसको थोड़ा सा सेट करूँगी पाउडर प्रोडक्ट के साथ और मैं यहाँ पे ये रेवोल्यूशन के अल्ट्रा स्कल्प एंड कॉन्टोर किट का यूज़ कर रही हूँ। नेक्स्ट मैं यहाँ पे ब्लश ऑन के लिए अप्लाई कर रही हूँ ये लैक्मे एब्सोल्यूट की शिमर ब्रिक। नेक्स्ट मैं अपनी फेस की हाइलाइटिंग कर रही हूँ और मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन मास्टर क्रोम हाइलाइटर और मैं अपने टिप ऑफ द नोज़ ब्रिज ऑफ द नोज़ ब्रॉ बोन चेक बोन अपनी चिन और क्यूपिड बो को हाईलाइट कर लूँगी। नेक्स्ट मैं यहाँ पे लिप बाम अप्लाई कर रही हूँ और मैं अपने पूरे मेकअप को सेट कर लूँगी। लिपस्टिक के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ शाय स्टाइल्स की ओ हीरोइन लिक्विड लिपस्टिक। ये बहुत ही प्यारा सा रेड कलर है। आप चाहो तो कोई भी न्यूड कलर का शेड अप्लाई कर सकते हो और इसी के साथ मेरी लुक कंप्लीट है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, कीप स्माइलिंग।